पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। आप मेरा घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से दमोह में मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की थी। 14 महीने मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया, आग्रह किया, उस पर विचार नहीं किया गया। और पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। स्पष्ट है चीज़ें, आपके मीडिया के साथी दमोह में भी, उनसे आप मेरा वचन पत्र निकलवा लीजिए। पहला बिद्दू मेडिकल कॉलेज का था, आज मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। प्रलोभन देने की कोशिश आपको भी पहले हुई थी, आपने पहले नहीं माना, अब क्या हुआ सर? निश्चित तौर पे जो मैंने पहले कहा, प्रलोभन दिए थे बीजेपी ने, सुनिए मेरी बात, निश्चित तौर पे मैंने जो पहले कहा वो बिल्कुल सिद्धांतों की लड़ाइयों के लिए कहा था, पर आज मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने बनाम 14 महीने में जिस प्रकार से विकास किया, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है, उसी जन कल्याणकारी योजना में, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। प्रलोभन दिए थे क्या पहले जो हम नहीं दिए? पिता तुल्य हैं और पार्टी हमारी माँ है, और निश्चित तौर पर आदरणीय भूपेंद्र, प्रलोभन की बात तो बता दी है, क्योंकि नहीं कोई प्रलोभन दिए, नहीं मैंने कोई नहीं कहा, मैंने कोई प्रलोभन की बात नहीं की, मैंने हमेशा विकास की बात की, सिद्धांत की बात की, अंगत के तरह पैर जमे रहने की बात की। लेकिन जब पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों और 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, चाहे वो किसान ऋण माफी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, गरीबों की पेंशन हो, सभी चीज़ों को उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। मैं पहले भी अपनी बात पे अडिक था और आज भी। और कितने साथी हैं आपके? आपके आप मित्र मंडली वाले हैं बहुत? नहीं, मेरे कोई साथी नहीं है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मेरे पारिवारिक सम्मान है, उनका स्नेह प्रेम है, वो हमारे आज से नेता है, उन्हीं के उसमें हमने ये निर्णय लिया है। मलैया जी निश्चित तौर पे, मलैया जी पिता समान है, निश्चित तौर पे उनका भी आशीर्वाद। आपने पहली मंशा किसे जताई थी कि आप बीजेपी में आना चाहते हैं? किससे बोला था? आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मैं बता रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय। अच्छा, कांग्रेस में किसी से बात की आपने? कमलनाथ जी है या किसी और? अभी मेरी कोई बात नहीं। देखिए, समझा ये जा रहा है लोधी विधायक जो कांग्रेस से छिटक रहे, उसकी एक वजह उमा भारती प्रहलाद पटेल भी है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी है, मेरे पारिवारिक संबंध है, उनका शुरू से मेरे ऊपर स्नेह आशीर्वाद रहा है। आज जब मैं कांग्रेस में दिशाहीन हो गया, विकास नहीं करा पा रहा, तो जिस प्रकार एक पिता का आशीर्वाद रहता, ठीक उसी प्रकार भूपेंद्र जी का आशीर्वाद मुझ पे है। आपके नेतृत्व में ही अब आगे मुझे राजनीति करनी है। पहला इरादा कब कर लिया था कि कांग्रेस? पहला इरादा आपने कब किया था? निश्चित तौर पे कांग्रेस निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे, आदरणीय वीडी शर्मा जी अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे, जैसा आप जब जवाबदारी दी जाएगी। पहला इरादा कब कर लिया था कि आपको छोड़ना है पार्टी? कब? पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।